नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति, और थोड़ी देर में हमारे साथ जो हमारी सहयोगी हैं अपर्णा, वो भी जुड़ेंगी, और फिर सिलसिलेवार हम आपको तमाम चीजें एक एक कर बताएंगे। देश का सियासी पारा हाई है, चारों तरफ चुनावी शोर गूंज रहा है, तमाम मुद्दे देश की सियासी आबोहवा में छाए हुए हैं। इन सब के बीच न्यूज 18 को पीएम मोदी ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जो 2024 के चुनावी फेज में किसी चैनल को दिया गया पहला इंटरव्यू है। खास बात इसकी एक और है, न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी, न्यूज 18 कन्नड़ के एडिटर हरि प्रसाद और न्यूज 18 लोकमत के एंकर विलास बडे ने पीएम मोदी का उन्होंने ये इंटरव्यू लिया, और तमाम तरह के सवाल इस दौरान उनसे पूछे गए। पीएम मोदी के इंटरव्यू की पहली झलक हम आपको दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर विरासत टैक्स और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार तक को लेकर खुलकर बातचीत की। और अब अपर्णा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपर्णा, बिल्कुल ललित, हम यहाँ पर जो चुनावी माहौल बना हुआ है वो तो लगातार दिखाई रहे, लेकिन चुनावी फेज में ये पहला इंटरव्यू है सुपर एक्सक्लूसिव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 नेटवर्क को दिया है। और क्या खास बातें हैं इस इंटरव्यू की, क्या खास चीजों को उन्होंने उठाया है, वो भी हम विस्तार से अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं आज। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा ये पूरा इंटरव्यू हम आपको कल रात को दिखाएंगे। और उससे पहले बड़ी खबर, पीएम इंटरव्यू के, प्रधानमंत्री मोदी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की बड़ी बातें। इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रहार किया है। विरासत टैक्स, इस पर क्या कुछ उन्होंने बोला, बहुत दिलचस्प होगा यह सुनना। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का इस फेज के दौरान ये इंटरव्यू और पहली झलक आज हम आपको दिखाएंगे। तो झलक आपको मिल जाएगी पीएम मोदी का ये धमाकेदार इंटरव्यू, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेकर विरासत टैक्स और फिर कर्नाटक तक की स्थितियां, ये पूरा इंटरव्यू हम कल रात को आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की झलक हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और लगातार थोड़ा सा आपको इंतजार तो करना है, पूरा इंटरव्यू कल दर्शक देख पाएंगे। जी प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, और मैनिफेस्टो पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़े किए हैं, किस तरह तीखा हमला किया है, वो भी हम दिखाएंगे दर्शकों को कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आखिरकार पीएम मोदी ने क्या कहा है। बिल्कुल, और तो कड़ा प्रहार उन्होंने किया है कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसे लेकर। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कांग्रेस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, ये आपने सुना होगा, लेकिन इससे आगे की बात क्या है वो आपको आज हम बताएंगे। पार्टी मुस्लिम लीग की नीतियां अपना रही है। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है, क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करें। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी 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 उछालते रहे।
फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिली भगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है, आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी इनहेरिटेंस टैक्स, तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूट रहे की बात करते हैं, तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, इट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना ना जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य व आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में, समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है, यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे, अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टन दिया जाए, उन्होंने पहला पाप किया क्या। 90 के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया, मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है, 27% सैद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी एनडीसी की, मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया, 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही, 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया, 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया,
एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीग ही नीतियां उन्होंने अपना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। तो ये लगातार आपने सुना क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, और उन्होंने कहा कि इस पर और ज्यादा फोकस किए जाने की जरूरत थी जो नहीं किया गया, और इस वजह से वो आकर समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तत्काल के जो शब्द हैं या तत्काल की जो बातें हैं, ये ऐसा नहीं है, लंबा चौड़ा इतिहास उन्होंने गिराया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, वो बार बार एक कैबिनेट के नोट का भी जिक्र करते हैं। अपर्णा, बिल्कुल, और विस्तार से ललित यहां पर प्रधानमंत्री ने चीजें बताई हैं कि किस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत कांग्रेस करती रही है, और आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है रोहित नायक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं जयंत वर्मा जी, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, और साथ ही बतौर राजनीतिक विश्लेषक आलोक वस जी नोएडा स्टूडियो में ललित के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला सवाल रोहित नायक जी, मैं आपसे लेने जा रही हूं यहां पर सीधा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू की झलक आपने भी देखी, सुना आपने उनके इस वक्तव्य को, किस तरह 14 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कांग्रेस की ओर से कही गई थी, और कैसे ये जो मैनिफेस्टो है वो सवालों के घेरे में उठता है, उसको लेकर उन्होंने जो कुछ कहा उस पर आपका रिएक्शन? रोहित जी, आपसे मेरा सवाल था। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, रोहित जी के पास हम चलेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार जयंत वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक वत्सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयंत वर्मा, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक बात प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि हमने ये कहा उस पर गुना बुना सुना जाना चाहिए था, उसकी गहराई में जाना चाहिए था, और भी जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, सबसे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन। जयंत वर्मा साहब, सबको चलिए, मेरा ख्याल है कि जयंत वर्मा साहब अभी जुड़ नहीं पाए हैं, आलोक वत्सर लगातार बने हुए हैं। आलोक सर, सबसे पहले क्विक रिएक्शन, जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा है, हालांकि पूरा इंटरव्यू तो नहीं है, एक हिस्सा है, एक झलक है, जी प्लीज। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा है और जो उन्होंने पूर्व में कहा कि इस तरह की बातें उनकी मैनिफेस्टो में है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सारी बातें उनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उस ढंग से प्रदर्शित थी जैसा कि कहा गया था। लेकिन ये जरूर है कि अपीजमेंट की पॉलिसी खासकर मुसलमानों के प्रति उनकी शुरू से रही है, जिसको बार बार लोगों ने देखा है
और उनके नेताओं ने भी समय समय पर उस तरीके के बयान दिए हैं। तो अभी के स्थिति में एक चीज़ तो तय हो गई है कि जिस तरीके जिस दौर में ये चुनाव 2024 का आ गया है और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग सब दल मिलकर कर रहे हैं वो अपने सबसे लोएस्ट स्तर पर चला गया है। हम लोगों को इंटरव्यू में पॉलिटिकल एनालिस्ट में या इंटरव्यू में बड़ा मुश्किल होता है, अच्छा नहीं लगता है उन चीज़ों पर बात करना जिसकी बातें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये दौर लोएस्ट एब ऑफ राजनीति का दौर चला आया है और इस चीज़ में इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई आदमी इसमें अछूता नहीं है। क्या अनर्गल बातें हैं जिसका कोई लेना देना नहीं, सिर नहीं पैर नहीं, जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं, पर्सनल बातें। क्या क्या आपको सर ऐसा लगता है कि ये एक घेरा या जिसे कहना चाहिए केंद्रीकरण या भ्रम की राजनीति कुछ ऐसा आपको लगता है इस कैंपेनिंग और खासतौर पर अभी जो कैंपेनिंग शुरू हो गई है सेकेंड दौर में खासकर? जी, बहुत लोएस्ट स्टेप पर आके राजनीति टिक गई है और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पब्लिक फील्ड के लोग हैं, दिन रात लोगों से, समाज के हर स्ट्राटा से, खेतियर किसान से, मजदूर से और बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ से और बड़े विद्वानों से भी पाला पड़ता है। बिलीव मी ललित जी, नोबडी इज लाइकिंग इट। जी, किस कोई भी आदमी जिस तरीके की राजनीति हो रही है। तो आलोक से मेरा सवाल यहाँ पर रहेगा, एक बताइए आस्था जी, आप पढ़ना जी, मेरा सवाल जी आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स का जिक्र आपने भी किया और खुद ए के एंटनी की एक रिपोर्ट भी आई थी चुनाव जब कांग्रेस हारी थी देश का, कि किस तरह से जो कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति कह लीजिए या जो उनका पॉलिटिकल स्टाइल रहा उससे जनता के बीच कहीं ना कहीं ये छवि बन गई कि कांग्रेस एंटी हिंदू है और उसने एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को उसके सियासी करियर में पहुंचाया है। लेकिन जो अब बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं किस तरह से राजनीतिक बयानबाजी का जो स्तर है वो बहुत नीचा हो गया है, तो क्या ये डेस्परेशन दिखाता है? 100% यू आर राइट, ये डेस्परेशन, एक्सपरेशन, एग्जॉर्शन, एग्जॉस्टेड, सब कुछ कहिए कि तर्कस में सारे तीर खत्म हो गए तो इन सब तीरों से निकाल के आहत करने की कोशिश की जा रही है और ये बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए, किसी भी वर्ग से, किसी भी दल से, किसी भी तरीके से ये नहीं आना चाहिए। किस स्तर की राजनीति की बात कर रहे हैं हम लोग, किस स्तर की डिबेट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या सीख दे रहे हैं नौजवानों को, क्या सीख दे रहे हैं युवाओं को, क्या सीख दे रहे हैं महिलाओं को? अरे राजनीति करनी है तो खुल के कीजिए, लेकिन अबव द बेल्ट कीजिए, डोंट हिट बिलो द बेल्ट। किस तरीके की बातें हो रही हैं, है मैनिफेस्टो में कुछ है बोल कुछ रहे हैं, कहीं कुछ है बोल कुछ रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। और मैनिफेस्टो पढ़ता कितना आदमी है? हिंदुस्तान बड़ा संभ्रांत देश है, 60% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे समझ से शायद 2% आदमी भी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ता होगा। अगर आप किसी भी दल के आदमी को खड़ा कर दें और वर्कर को कहें कि अपने मैनिफेस्टो की 20 बातें बता दो तो वो शून्य में चला जाएगा, वो आसमान ताकने लगेगा। लेकिन जो स्तर आ गया है डिबेट का वो बहुत ही घटिया है, मुझे कहने में आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे कोई हिचक नहीं है, इसको ऊपर आना चाहिए। डॉक्टर प्रेम व्यास भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, आलोक जी लौटेंगे हम आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास, जो राजनीति में भाषा का स्तर गिर रहा है उस पर तो आपका रिएक्शन लेंगे ही, साथ ही जो प्रधानमंत्री ने ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर चीजें गिनवाई है, धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत, कांग्रेस का ये स्टैंड और कांग्रेस वहां से हमलावर है कि संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी? आवाज ही नहीं जा रहा है, कुछ ऑडियो का इश्यू। डॉक्टर प्रेम सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? जी, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर व्यास की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन हम फिर कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। और व्यास साहब, मैं चाहूंगा एक बार फिर
थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस हैं वो ठीक हो जाएंगे। मैं चाहूंगा आप व्यास साहब एक बार फिर जरा अपना जवाब शुरू से शुरू करें प्लीज। ललित जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल कंटिन्यू, बहुत बेहतरीन आवाज जी। देखिए ललित जी, एक बहुत पुराना गाना है कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। अब पर वो राज जब उजागर हो गया मैनिफेस्टो में, जिन बातों का जिक्र है वो किस ओर इंगित करता है पहले तो ये देखने की जरूरत है। दूसरा, एक बुंदेलखंड का बहुत अच्छा फेमस गाना है कि तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो अब कट्टी हो गई है क्योंकि मैनिफेस्टो को उजागर कर दिया गया। मैनिफेस्टो के अंदर जिक्र होने के पूर्व में क्या क्या हुआ है निश्चित रूप से इसको भी जानना जरूरी है। दिल्ली ल्यूटियन जोन की 121 प्रॉपर्टियां जो अंग्रेजों द्वारा ट्रांसफर की गई थी वो 5 अप्रैल 2014 को वक्फ बोर्ड को बिना किसी औचित्य के ट्रांसफर कर देना, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद 2004 में आंध्र प्रदेश में जब सरकार आई थी कांग्रेस की, उसके बाद लगभग 5 बार कोशिशें की गई अपीसमेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत कहां से की गई और कितनी बार की गई। मई 2004 में सरकार बनी, उसके बाद में 2 महीने बाद इस जुलाई 2004 में लगभग 5% आरक्षण के लिए प्रयास किए गए जिसको माननीय हाईकोर्ट ने रद्द करा जून 2005 में। उसके बाद में पुनः डॉक्टर सुब्रमण्यम कमीशन का गठन और उसके बाद नवंबर 2005 में 5 जजों की बेंच द्वारा उसको निरस्त करना। उसके बाद पुनः प्रयास अप्रैल 2007 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार गया गया कि दिस इज इलॉजिकल। और उसके बाद में जो रिटायर्ड अधिकारी थे पीएस कृष्णा जी, उनके निर्देशन में फिर से जुलाई 2017 में उसी चीजों की मांग को अलग तरीके से रखना, उसके बाद 7 जजों द्वारा खारिज कर देना, तो निश्चित रूप से प्रदर्शित करता है। और कर्नाटक का जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो कांग्रेस उसका खंडन कर दे कि हमने नहीं करा है। निश्चित रूप से किनका आरक्षण काट के किसको देना, एक तरफ प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि गरीब शोषित वंचित वर्ग, दूसरी तरफ बात करते हैं कि। लेकिन डॉक्टर प्रेम, कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि जिस कर्नाटक में आरक्षण की आप बात कर रहे हैं वो 29 साल से वहां पर चला आ रहा है। जी निश्चित रूप से, लेकिन अभी जब मैनिफेस्टो का जिक्र हुआ 1936 का जो मैनिफेस्टो था मुस्लिम लीग का, निश्चित रूप से उसकी छवि दिखाई गई, इसीलिए यह प्रयास किया गया कि अब जो पॉलिटिक्स पूर्व से की जा रही थी निश्चित रूप से बदलता भारत है, विकसित भारत है, यह एक भारत है, इसमें यह सब चीजें नहीं चलेगी, इसी को प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में इंगित किया है। जी जी ठीक है डॉक्टर व्यास, आएंगे आपके पास। रोहित नायक साहब, मेरा ख्याल है आप तक आवाज भी प्रॉपर पहुंच रही होगी, आपने सुना भी होगा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। ये बात वही बात मैनिफेस्टो को लेकर और उस पर जो मुस्लिम लीग की छाप को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज नहीं हुई हैं, उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। आपका एक क्विक रिएक्शन फिर मेरा सवाल नायक साहब। छाप की बात कह रहे हैं तो कलकत्ता अधिवेशन में किसने मुस्लिम लीग का साथ दिया और पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए कब कहां हिंदू राष्ट्र कब बनना चाहिए और कब मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए इसके बारे में जो प्रस्ताव पारित हुए वो भी इतिहास में गड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पहले क्या मुस्लिम लीग का और हिंदू महासभा का जो इतिहास है उसको पहले पूर्ण रूप से भाजपा को पढ़ लेना चाहिए और लोकल बॉडी पहुंचानी चाहिए। लोकल बॉडी इलेक्शन में जब मुस्लिम लीग की मदद ली थी आरएसएस ने, मतलब संघ ने, उसकी बात कर रहे हैं आप, मेरा ख्याल है। मैं हर पक्ष में संघ से जुड़े मुस्लिम लीग के तारों की बात कर रहा हूं। जी हाँ कंटिन्यू नायक साहब, सुन रहे हैं हम आपको। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग की छाप अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिख रही है तो वो किस आधार पे दिख रही है ये स्पष्ट करना आवश्यक है। अगर उनने मैनिफेस्टो भाजपा का खुद का भी पढ़ा है तो वो ये बता दे कि उनने हिंदुओं के लिए क्या किया है। अगर ये बात मुस्लिमों और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन या किसी एक जाति वर्ण विशेष के लिए कुछ विशेष करने की है, और अगर पाशमांडा की बात करते ही ओबीसी जुड़ जाते हैं उसमें और उनका उत्थान हो जाता है और भाजपा ये कर रही है तो सही है, कांग्रेस लेकिन जब पिछड़े मुसलमानों की बात करती है या माइनॉरिटीज की स्पेसिफिकली बात करती है तो आरक्षण में जो कहा गया है उस बात को सुनिश्चित करने के लिए करती है। और अगर इस बात को इस तरीके से जोड़ा जाए कि कहां चला जाएगा किसका मंगल सूत्र, तो 2014 से पहले जो सोने का रेट था और नहीं, जो लेकिन सोने क्या का रेट ये, है, उस बात को जी, लेकिन क्या ये बात आपकी एकेएनसी की रिपोर्ट में सामने नहीं आई थी कि आप एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में इतना मुब्तला हो जाते हैं कि दूसरे वर्ग को भूल ही जाते हैं। अगर कोई रिपोर्ट बनती है तो महत्वपूर्ण ये है कि वो रिपोर्ट लागू होती है या नहीं होती है।
दूसरा जब कर्नाटका में भाजपा की सरकार थी तो इनने 4% आरक्षण मुस्लिमों का कम करके लिंगायत को और वल्लिकास को दिया था। उस पर जो बात निकल के आई थी, ये निकल के आई थी कि ये आप सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध तब भी कर रहे हो। आज की तारीख में अगर इस चीज को रीइंस्टेट करने की बात कर रही है कांग्रेस और ये बात कह रही है कि एक जाति जनगणना होनी चाहिए, जो भी डिस्पैरिटी है पॉपुलेशन बेस्ड उसको एकाग्र समतल करने के लिए इस बात का रखना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से आगे की रिसोर्सेज और आगे की देश की दिशा निर्धारित की जाए। और अगर वहां पर 75% रिजर्वेशन की बात कांग्रेस कह रही है, जिसमें इस बात का भी रीइंस्टेशन है जो कर्नाटका में 4% इनने पहले रिजर्वेशन कम किया, तो ये बात इनको बुरी क्यों लग रही है? मुझे ये नहीं समझ में आता। अगर इनको सबका साथ सबका विकास पसंद है तो ये इस तरीके की बात करते क्यों है? और अगर ये हिंदुओं की बात करते हैं तो ऐसा इनने हिंदुओं के लिए पिछले 10 साल में क्या कर दिया? अगर महंगाई है तो मुसलमान पे बराबर है, हिंदू पे बराबर है। अगर बेरोजगारी है तो मुसलमान पे बराबर है, हिंदू पे बराबर है। इनने क्या हिंदुओं को 50% सब्सिडी दे दी पेट्रोल डीजल में? आटे दाल पेट्रोल फ्यूल खाने के तेल पे क्या सब्सिडी हिंदुओं को दे दी? तो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। नायक साहब, अगले हिस्से पर चलते हैं, मैं आऊंगा आपके पास भी, अगले हिस्से पर चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अगले हिस्से पर चलते हैं और फिर सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी को आपने सुना, न्यूज 18 के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विरासत टैक्स की भी बात आई है, पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, अब आपको वो जान लेना चाहिए। बिल्कुल, विरासत टैक्स को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, साथ ही सैम पित्रोदा के बयान का भी यहां पर हवाला दिया जा रहा है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत टैक्स के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है, दर्शकों को सुनवाते हैं। विरासत टैक्स को लेकर ये बड़ा बयान, बहुत बड़ा बयान, एक्सरे का जिक्र भी, इसका जिक्र भी आपने भाषणों में सुना होगा, लेकिन विस्तार से हम आपको बताएंगे। उनका मतलब घर घर छापा मारना, अनाज के डिब्बे से गहने निकालना, इस तरह के माओवादी विचार से दुनिया बर्बाद है, अर्बन नक्सली का प्रकटीकरण, यह शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। विरासत टैक्स, संपत्ति बंटवारा, अर्बन नक्सल से उसे जोड़ा है और वो ये भी कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी थी देश के लोगों को जगाना। पित्रोदा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए भाई। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी, हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महासभा के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, इसी से जुड़ा सवाल है इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है, और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों?
पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किताब वो साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। हमारे साथ जयंत वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। जयंत सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगी आपसे। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में इनहेरिटेंस टैक्स चलता है और अमेरिका के तो 6 स्टेट्स में शायद ही लागू है। सैम पित्रोदा ने जिस चीज का यहां पर जिक्र किया था, कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि रॉबिनहुड जैसी छवि बन जाए कांग्रेस की, लेकिन ये चीज उन्हें कांग्रेस को चुनावी फेज में डैमेज करती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो कांग्रेस ने अभी जो बात कही है वो इनहेरिटेंस टैक्स की, वो सैम पित्रोदा ने बोली थी। तो वो तो पहले स्टेट ड्यूटी लगती ही थी और जो स्टेट ड्यूटी लगती थी तो जब इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी का सरकार आया तो उन्होंने उस स्टेट ड्यूटी को खत्म किया। जो इनहेरिट करते थे तो उसमें स्टेट ड्यूटी लगा करती थी, ये तो इन्हीं ने खत्म किया था उसको। और शायद इसीलिए खत्म किया था कि हो सकता है इनकी खुद की संपत्ति पे स्टेट ड्यूटी का मामला बनता या फिर इनके जो भी परिचित होंगे या इनके जो प्रिय लोग होंगे उनको बचाने के लिए ये काम किया होगा उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि ये सैम पित्रोदा ने जो बात कही है वो उतनी नहीं है, मतलब पहले ये उनको पूरा इतिहास पे जाना चाहिए कि ये पहले था और खत्म किसने किया। बिल्कुल बिल्कुल, एक रिएक्शन ये जो अभी हमने बयान सुनाया है, आलोक वत्स साहब का एक रिएक्शन ले लेते हैं फिर चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। सर प्लीज। तो भी बात हो रही है विरासत टैक्स की और अमेरिका में सैम पित्रोदा जो इनके इंडियन ओवरसीज बॉडी के चेयरमैन है उन्होंने कही है, उसका अभी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मेरे समझ से कोई लेना देना नहीं। और सही कहा वरिष्ठ पत्रकार ने कि इसको तो खत्म किया था कांग्रेस ने राजीव गांधी के समय में, जो वो टैक्स लग रहा था उसको उन्होंने अबोलिश कर दिया। तो अभी इसकी बात करना कि कांग्रेस इस बात को कर देगी, ये तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। और इस बात को बार बार उछाला जा रहा है कि कांग्रेस आएगी तो इनहेरिटेंस टैक्स लगा के सारा जमीन हथिया लेगी और 55% टैक्स लगा देगी। कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, किसी ने अमेरिका में ये बात कही, वो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि वो लागू हो जाएगा इंडिया में आके और इंडिया के लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे समझ से ये तर्क संगत नहीं है अभी के माहौल में। अब इसको कोई आदमी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा हो तो बात अलग है। ठीक ठीक, और देश, साहब आपका, जी, और देश की जनता इस बात को समझती है। जी जी, रोहित नायक साहब आपका रिएक्शन प्लीज। कि मैंने पूरा बयान सुना, पहले तो मुझे ऑडियो ठीक से आ नहीं रहा था, फिर भी क्योंकि मैं इंटरव्यू थोड़ा अंश में देख चुका था तो मुझे ये जानकारी लग गई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बातें उछाली जा रही हैं, जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की तारीख में देश को जागृत करने प्रधानमंत्री जी ने बड़ा बेड़ा उठा रखा है, लेकिन जब वांगचुक जी करते हैं कुछ लद्दाख में तो उसका बेड़ा इन्हें नहीं उठा रखा है, जब मणिपुर में कुछ होता है तो उसका बेड़ा कुछ नहीं उठा रखा है, जब पदम जीती हुई जो रेसलर्स हैं वो कुछ एक आंदोलन करती है उसका बेड़ा, किसानों का बेड़ा नहीं उठा रखा है, अचानक से चुनाव में उन्होंने बेड़ा उठा रखा है। और मुझे तो लगता है आपको पहले इस इंटरव्यू से पहले प्रधानमंत्री जी की आरती उतारनी चाहिए थी, क्योंकि वो कम से कम पहली बार किसी मीडिया हाउस के सामने आए,
हाँ ये बात अलग है कि वो चुनावी पूरा एक एक पूरा एक उनने चोला ओढ़ रखा है, और जिस तरीके से वो ये बातें कह रहे हैं कि किसी के घर में घुसकर उसके अनाज के डब्बे में से ये देखा जाएगा, बिल्कुल ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उनके घर में घुसकर उनके अनाज के डब्बे में ये देखा जाएगा कि वाकई जो अनाज बांटा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, क्योंकि कभी नीति आयोग कुछ कहता है और कभी कोई गरीब निकलता है, जिस तरीके की डिस्पैरिटी इनके खुद के बयानों में एक एक सभा में आती है, ये खुद ही नहीं जानते कि इनको करना क्या है। तो मुझे लगता है उस डब्बे में झांकना आवश्यक है, लेकिन ये देखने के लिए कि उनके पास भरपूर पेट भरने के लिए अनाज है या नहीं। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर व्यास, आर्थिक असमानता किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम, आर्थिक असमानता का जिक्र हो तो आप कह रहे हो कि ये तो एक्सरे है। डॉक्टर व्यास, देखिए दोनों चीजें हैं, जिन्होंने ये बात इनहेरिटेंट टैक्स की बात करी, निश्चित रूप से 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो उसको लेके उन्होंने बात करी थी, और उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टैंड था, और वो ओवरसीज अध्यक्ष है कांग्रेस के, और जिस तरीके से वो कटाक्ष करते हैं, और उसके बाद में वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो मुझे बताइए ना वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। आज भारत इस परिस्थिति में कि लगभग पर ईयर 600 टन सोना सिर्फ भारत में खरीदा जाता है, तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या सोने का प्रयोग करेंगे, जो भारतीयों ने, भारतीय महिलाओं ने अपनी गुड़ कमाई से, अपनी बचत से बचा के रखा है, और लगभग 42-43% डेब्ट टू जीडीपी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर है तो भारत की है। तो आर्थिक असमानताओं को प्रदर्शित करना ये कांग्रेस का कृत्य है, 1970s का दौर कांग्रेस का कृत्य है। डॉक्टर व्यास, आर्थिक असमानता के आंकड़े, अच्छा एक बात बताइए, IMF जब तारीफ कर देता है तो बहुत अच्छा, अगर वो आपसे सवाल पूछ लेता है या कोई सवाल उसके आंकड़े से खड़ा हो जाता है तो आप नाराज हो जाते हो यार बहुत जल्दी। आ रहे हैं आपके पास जी वत्स, हमने तो जवाब दिया ना जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये आर्थिक असमानता की जो बात हो रही है, जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें इस बात को प्रदर्शित किया गया है कि 1% लोगों के पास 40% हिंदुस्तान के पैसे हैं, उन लोगों का एक्सरे कैसे होगा? गरीब के घर में जाके तो उसका टिफिन खोल के देख लीजिएगा कि उसके पास ज्वेलरी है कि उसमें अनाज रखा हुआ है, लेकिन जो प्रदर्शित चीज है विच इज ऑन रिकॉर्ड दैट 1% पॉपुलेशन हैज 40% एसेट ऑफ इंडिया कॉर्नर बिटवीन देम, ठीक वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? डॉक्टर व्यास रिएक्शन प्लीज। देखिए ये सिर्फ इंडिया की बात है या सभी विकासशील देशों की बात है? दूसरा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अभी इंडिया के संदर्भ में, इंडिया का बात पर ही जवाब दीजिए आप। मुझे लगता है सिर्फ 1% आंकड़ा है वो बेईमानी है, अभी आप देखेंगे तो उसमें कई सारे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जिसमें से जैन भी हो गए, जिसमें से बौद्ध भी हो गए, अगर आप पुणे वाला की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे कई नाम प्रदर्शित होते हैं जो नीचे धरातल से उठ के आज उस परिस्थिति तक पहुंचे हैं। और दूसरा, जिस तरह से वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी और किसी एक समाज को टारगेट करना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में सैम पित्रोदा जी का बोलना और ये कहना, स्पेशली उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास जो है उनको भी उन्होंने उसमें इंगित करा कि वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आपने आपने याद दिला दी सुषमा स्वराज की, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कहां लुटा। मैं उनको रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूँ, आप किसी कारवां में मत ले जा लेना मेरे को। ललित यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो डॉक्टर व्यास इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, जयंत सिन्हा का भी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि किस तरह से वो भी इस फेवर में थे इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर। देखिए दो चीजें होती है, जिस तरह से राजनीतिक बयान होना, मैनिफेस्टो में जिक्र होना और उसको पटल पर लेके आना, ये तीनों बातें। जिस तरह से हम लोग चर्चा करके ईडब्ल्यूएस की बात कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस तो कांग्रेस भी लाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। ठीक है, क्यों खारिज कर दिया जी, था? आप, जो रोहित जी आप यहाँ पर बात करते हैं न्याय पत्र, आपने नाम दिया है अपने मैनिफेस्टो को, न्याय पत्र नाम दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपके इस मैनिफेस्टो के पीछे पूरा न्याय जो है ना वो सिर्फ एक ही पक्ष के लिए है। अगर कांग्रेस ने कही है तो केवल एक ही बात कही है कि एक परिवार की पार्टी है, नैरेटिव को चेंज करना बीजेपी खूब बखूबी जानती है, लेकिन मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूंगा। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि अगर इस बात, इस तरीके की बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो वो कितनी तथ्यात्मक होती हैं, और अगर नहीं होती हैं तो वो क्या केवल ऐसे ही अपनी अपने पद की गरिमा नहीं जानते क्या वो, कि उनको क्या कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि भाई इतना गोल्ड खरीदा जाता है, इतना सोना भारत में खरीदा जाता है तो क्या उसका एक्सरे होगा? जी नहीं, भारत एक बहुत बड़े शैमक में जीता है, एक बहुत बड़े छदाम में जीता है, बिल्कुल
कोई भी चीज सत्य नहीं है। जिस तरीके की पूंजी ये दिखाई जाती है जो 1% आबादी की भी है, ये मुझे लगता है कि सरकारी पैसे का दोहन करके बनाई गई है। क्योंकि अगर इनकी बात की जाए तो सऊदी अरब जो देश दुनिया के सबसे बड़े परिवार है, वहां पर इनका नाम क्यों नहीं आता? अगर 1 अरब परिवार से, 1 अरबी परिवार से सऊदी अरब के इनका कंपैरिजन कर लिया जाए तो पैर के नाखून भी ना निकलेंगे। तो फिर उनके पास पूंजी ज्यादा है या इनके पास पूंजी ज्यादा है? मुझे ये लगता है कि यही एक्सरे आवश्यक है ताकि वो 1% ठीक है। नायक साहब, नायक साहब मैं आपको रोक रहा हूँ। और एक नायक साहब, लास्ट बात, जस्ट फाइव सेकेंड। अगर सोना किसी देश में ज्यादा खरीदा जाता है तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसलिए खरीदा जाता है, असुरक्षा के कारण खरीदा जाता है। ये पता नहीं, मुझे लगता है चलिए माननीय सर कुछ कह रहे हैं, मैं आऊंगा बस सर आपके पास। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, प्लीज। हाँ, कि ये जो वेल्थ है ये लॉप साइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वेल्थ शहरों में ज्यादा आ चुका है। जब से लैंड सीलिंग एक्ट आया तब से कोई बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। ठीक ठीक। अब ये सारा पैसा बड़े शहरों में है, वहीं पर ये एक कॉर्नर है और वही 1% लोगों के पास है। तो गांव में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो टिफिन के डिब्बे में बहुत सोना नहीं निकलने वाला है जी। 2-4 ग्राम 10 ग्राम निकल जाए तो बहुत है। मेन जगह है दिल्ली के लॉकरों में, यहाँ तलाशी लीजिए और यहाँ पर पता कीजिए। एक और मेन बात यह है कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा मन सियासतदान का हो जाए तो बात ही अलग है। एक और बात, अब हम इस फेज को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, एक और महत्वपूर्ण बयान वो हम आपको सुनवाएंगे और फिर ये चर्चा आगे चलेगी। सभी तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। तीसरे फेज के मतदान से पहले पीएम मोदी का ये धमाकेदार इंटरव्यू किया गया है। इस इंटरव्यू में जिस तरह से पीएम मोदी एक के बाद एक तगड़े प्रहार कांग्रेस पर कर रहे हैं, उससे सियासत गर्म होती नजर आती है। तो कर्नाटक सरकार पर कड़ा प्रहार, सियासत सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों में नहीं बल्कि कर्नाटक में भी गर्म होना तय है, क्योंकि पीएम मोदी ने कर्नाटक को लेकर चौंकाने वाली कई बातें कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कर्नाटक की जो जनता है वो पछता रही है कि उन्होंने सत्ता किसको सौंप दी है। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कर्नाटक में कांग्रेस के कई लोग खुद को सीएम मान रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। बेंगलुरु पर यह बयान भी उन्होंने दिया है। पहले ये बयान सुनते हैं फिर चर्चा कंटिन्यू रहेगी। Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more, in the last election, you lost the only 66 seats, you able to win there, BJP able to win there. Now again, Yediyurappaji ka leadership or uska beta ka leadership mein ज़्यादा फोकस हो रहा है, इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है नंबर वन? यस, कर्नाटक की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बड़ा है, लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि, कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब आप कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है,
दुनिया में जब जाते हैं ना तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है, टैंक हब के रूप में जाना जाता था। आपने देखते ही देखते इसको टैंकर हब बना दिया और टैंकर में भी माफिया सही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी, यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे। अच्छा, डेप्टी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं, वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। रोहित जी, आपसे सवाल लूंगी मैं इस पर, जो कल तक आईटी हब था वो अब टैंकर हब बन गया है, पीएम मोदी को आपने कहते हुए सुना और ये भी कह रहे हैं कि कुर्सी पर सीएम कोई और है लेकिन असल में सीएम कौन है कोई नहीं जानता। अपर्णा जी, ऐसा नहीं लग रहा है आपको जो प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं वो कोई एक मुख्यमंत्री किसी प्रधानमंत्री के लिए बयान दे रहा है? कभी आपने प्रधानमंत्री को केंद्र की सरकार को राज्य की सरकार को कोसते हुए सुना है? जो केंद्र में बैठा है वो तो जो चाहे कर सकता है। आज की तारीख में पानी के लिए त्राही त्राही है। रामेश्वरम कैफे में जो लोग पकड़े गए उनके तार बीजेपी से जुड़ते हैं, ये बात एनआईए ने रिलीज करी है डेटा में, किस तरीके से वो अपनी आइडेंटिटी कंसील करे हुए थे ये बात रिलीज करी है उनने। ये बात कहना एक प्रधानमंत्री के लिए कि वहां पर कौन मुख्यमंत्री है ये पता नहीं है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, क्यों, क्या आपने, आप सबको लेकर चलने की बात अभी इसी वक्तव्य में उनने कही, तो क्या वो ये बात, वो टीम एफर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये नहीं है कि किसी राज्य के लिए अगर वहां सरकार ना भी हो तो भी टीम प्लेयर की तरह काम करे? क्या इनकी टीम दो ही लोगों की रहेगी? भले येडियुरप्पा जी का नाम ले लिया लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जिस तरह की टीम की बात कर रहे हैं वो रिंग मास्टर की संज्ञा ज्यादा कहलाती है ना कि टीम प्लेयर की। ठीक। जयंत वर्मा सर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयंत वर्मा सर, क्विक रिएक्शन कर्नाटका को लेकर। देखिए, कर्नाटका में एक बात तो है कि जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है और जब से वहाँ कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी है तब से वहाँ एक विशेष समुदाय का काफी मतलब एग्रेसिव विरोध हुआ है और कम्युनल जो एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी है जी। और इसके कारण हो सकता है कि वहाँ के बहुत से लोग अब ये सोच रहे होंगे कि शायद कुछ गलत निर्णय हुआ, परंतु मुझे लगता है कि वहाँ जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा मतलब है और वो जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो कहना है सबका साथ सबका विकास, तो वहाँ से यदि आवास की योजना आ रही है, वहाँ से यदि आयुष्मान की योजना आ रही है, वहाँ से उज्ज्वला आ रही है, तो वो मुस्लिम को भी मिल रही है, हर किसी को मिल रही है, उससे कहीं भेदभाव नहीं है जी। तो उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार का यदि कोई समाज सबका सोचता है कि ये भारतीय जनता पार्टी इसके साथ भेदभाव कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये गलत है और ऐसा कोई उदाहरण अभी तक तो दिखने में नहीं आया। ये जो आपने मार्के की बात कही थी ना, ये सिर्फ कर्नाटका नहीं है, कानून व्यवस्था में कर्नाटका नहीं है, मैं तो करीब से छत्तीसगढ़ को भी देख रहा हूँ। जब भी कोई सरकार या कोई पर्टिकुलर सरकार जीते तो कोई पर्टिकुलर तबका, शायद माइंडसेट हो गया है, उसे लगता है कि उसका हर जगह एक्सेस हो गया कानून व्यवस्था में। ठीक। डॉक्टर प्रेम व्यास, एक शब्द आया है सबका साथ सबका विकास, तो क्या वजह है कि जो 20 करोड़ मुसलमान हैं उनके विकास की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है? कितने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं आपने केरल छोड़कर? डॉक्टर व्यास, देखिए ललित जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है, 1947 के बाद जो सर्वे हुआ था उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर कोई कम्युनिटी थी जिसमें लगभग 90% लोग पढ़े लिखे थे तो वो मुस्लिम समुदाय था, और उसके बाद सतत 50 से 55 वर्षों में जिस तरह से कांग्रेस ने उनको कट्टरपंथियों का निर्माण किया है,
जिस तरह से उनका साथ देने के बाद में उनको शिक्षा से अच्युता कराए और उसके बाद लगभग 20 सालों का राज में गुजरात का आपको एग्जांपल देता हूं, आप बताइए 20 सालों में बहुत बेहतरीन बात शिक्षा की बात आपने की है, कोई खास वजह जो मौलाना आजाद साहब के नाम पे स्कॉलरशिप थी उसको बंद करना पड़ा? देखिए अभी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा स्कैंडल फाइंड आउट हुआ था जिसमें एक ही परिवार का एक ही बच्चा जो लगभग नवीं में पढ़ रहा है और एक ही परिवार से 9-15 बच्चे नवीं क्लास में पढ़ के और स्कॉलरशिप ले रहे हैं और उसके बाद में जो स्कैंडल के बाद उसकी जांच होना, और आपने जैसे कर्नाटका का कहा था तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया, इन दोनों लोगों के बीच में वह क्या चल रहा है आपसे भी अछूता नहीं है, जिस तरह से जातिगत मतगणना हुई और दोनों लोग एक दूसरे के आसपास हो गए, इतने कहा मैं तो लागू ही नहीं होने दूंगा, एक कह रहा है मैं लागू कर दूंगा, और उसके बाद में जनता के साथ में जो धोखा किया, कर्नाटका में जो गारंटियां दी गई थी वो गारंटियां कितनी पूरी हुई है, और उसके बाद में जो आयुष्मान कार्ड को लेके प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो निश्चित रूप से छोटा सा उल्लेख मैं दे दूंगा, डॉक्टर नरेश त्रयान का जो मेदांता हॉस्पिटल के MD है, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लाभान्वित लोग लगभग 8.58 लाख एडमिशन हुए आयुष्मान के अंतर्गत, उसके बाद उनका इलाज होना, और उसके बाद हमारा कहना कि हम 70 वर्ष से ज्यादा के लोगों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे, तो जो कार्य हम कर चुके हैं निश्चित रूप से वो धरातल पर है, इसीलिए हमने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। बहुत बेहतरीन बात, ये आपने बहुत अच्छी बात कही आयुष्मान। रोहित जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बात पर, ललित आपके पास सवाल होगा जी, सवाल को लेकर आप आगे बढ़े, लेकिन रोहित की बात पर, रोहित वो तो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं यहाँ पर, अपनी उपलब्धियां का पूरा उन्होंने रिपोर्ट कार्ड खोल दिया है, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तरह बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री की तरह ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की असमर्थता वो जता रहे हैं, मुझे लगता है कहीं तो वो रशिया की वॉर रुकवा लेते हैं, लेकिन कहीं पर वो बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। रशिया की वॉर रुकवाने के लिए समर्थवान है वो, विश्वगुरु हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल असमर्थवान हो गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की बात ये कही गई, ये पूरी तरह से बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी मेरी तो समझ में नहीं आई। और जहां तक इस बात की बात है मुझे लगता है कि आयुष्मान कार्ड धारकों के साथ जो हुआ है वो सबसे बड़ा एक गफलत का मामला है, और कोरोना से लेकर अभी तक जो एक एक नंबर पर 7-7 लाख लोग मरे हुए रजिस्टर कर दिए आपने, उसका क्या ब्यौरा है, उसका क्या आप विश्लेषण देना चाहेंगे? आप मेदांता के अस्पताल और मेदांता के किसी डॉक्टर को कोट कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल के किसी डॉक्टर को कोट कर दिया। रोहित जी मैं आपको रोकना चाहता हूं, ये बात कह रहा हूं ठीक है, और वो बात नहीं, ये बताइए सिस्टम बनता है, लूपहोल होते हैं, सिस्टम बनता है, लूपहोल होते हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आ रहा हूँ रोहित जी प्लीज, प्रधानमंत्री जी पटल पर खड़े होकर रोहित जी प्लीज, पहुंचाता हूँ 10 पैसे पहुंचते, 90 पैसे खा जाने वाले लोग पॉलिसी निर्माण क्या जानेंगे, जो 90 पैसे लोग खा जाते थे उनको पता ही नहीं कि पॉलिसी क्या होती है। तो जिस तरह से आज 21,000 करोड़ रुपए का हक है, डॉक्टर व्यास अरे पर्याप्त, देखिए आप सबका साथ सबका विकास मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं आप, रुक जाइए एक मिनट, आलोक सर का बहुत क्विक रिएक्शन, फिर हम एक एक छोटा सा पोर्शन पे आगे बढ़ेंगे। हर पॉलिसी हर पार्टी की गलत नहीं होती है, आयुष्मान कार्ड जो है ये वाकई में गेम चेंजर है, दिल्ली की बात छोड़िए, मेदांता की बात छोड़िए, दूर दराज गाँव में लोगों का बहुत समुचित इलाज हुआ है, इससे बहुत गरीब वर्ग को इससे फायदा हुआ है और हो रहा है, ये वाकई में बहुत बड़ा गेम चेंजर है, कम से कम गरीब वर्ग के लिए। अब जाहिरा तौर पर कस्बाई इलाकों में अगर आपको महसूस करना है तो देखा है लोगों के पास किराया नहीं है पर एक उम्मीद है इलाज की। खैर आएंगे आप सबके पास, लगातार बने रहें। एक और अगले पार्ट की तरफ चल रहे हैं, पीएम मोदी ने ओडिशा में बीजेडी सरकार पर भी हमला बोला, उन्होंने कहा कि भले ही बीजेडी केंद्र में हमारी सहयोगी रही हो लेकिन ओडिशा के अंदर हम दोनों की राहें अलग हैं। पहले सुन लेते हैं फिर चर्चा में चलेंगे, अपर्णा चर्चा में लिए चलेंगे आपको जी। ओडिशा को कैसे देखते हैं, ओडिशा में आपने जो है बीजेडी का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है, बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन केंद्र में हमारा समर्थन किया था मुद्दों के आधार पर जी, और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता बुरा राज्य के अंदर, हम बिल्कुल उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही है भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है, उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है, और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है
कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए, हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे। तो वक्त का थोड़ा कम ज़्यादा हिस्सा हो सकता है, दरअसल और भी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ हमें रुख करना हो रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चर्चा में आपने जुड़े, तमाम रिएक्शंस दिए। वक्त थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर सियासत के दौर चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, बातों के ये सिलसिले चलते रहेंगे। और इस खास प्रस्तुति में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी।